हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का SKS सर। सर, आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो स्टूडेंट इस साल 2024 में मान लीजिए हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको बड़ा कंफ्यूजन है कि इस साल 2024 का हिंदी के एग्ज़ाम में रिपोर्ट राइटिंग में क्या आने वाला है। तो मैं आप लोग के लिए रिपोर्ट राइटिंग में किन किन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसका प्रैक्टिस करके जाना है, मैं इस वीडियो में आपको उन सारे क्वेश्चन का लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फटाफट कॉपी को ओपन कर लीजिए। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से क्या कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट अपडेट वीडियो HS सजेशन आपके पास चले जाए। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और आपको इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फटाफट कॉपी को ओपन कर लीजिए और इस सारे क्वेश्चन का जवाब मींस आंसर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बुक सजेस्ट करवा दूंगा। वो भी नहीं, अगर आपको क्लास लेना है मेरे पास में तो आप मुझे दिए हुए नंबर में कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, मेरा क्लास जो है भोई क्लास ग्राउंड कोलकाता खिदीपुर मेरा क्लास होता है SKS इंस्टीट्यूट। और अगर इन सारे क्वेश्चन का अगर मान लीजिए आपके पास में अगर कोई हिंदी का गाइड या मान लीजिए हिंदी का कोई सजेशन या आपके किसी सर के पास का नोट्स अगर हो तो ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, नोट डाउन करके वहाँ पर आप मैच करवा लीजिए। ठीक है, अगर किसी भी एक क्वेश्चन का अगर जवाब छूट गया है तो अपने सर से बोलिए एक्सप्लेन कर देने के लिए। ठीक है, और एक ख़ास बात बता देता हूँ, यह है रिपोर्ट राइटिंग हिंदी का, मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं रिपोर्टाज लेखन। क्या कहते हैं? रिपोर्टाज लेखन। आपको बता दें हैं रिपोर्टाज लेखन जो है एकदम किताबी भाषा मत डिट्टो, एकदम जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में लिख दीजिएगा, अपना ओन वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, मीन्स अपना खुद का स्वयं जो आपका हिंदी मातृभाषा जो आपका मालूम है उन भाषा में एक्सप्लेन कीजिएगा, मार्क्स आपका अच्छा से अच्छा गेन कर पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, पानी बचाओ अभियान पर एक रिपोर्टाज लिखिए। मीन्स इस रिपोर्ट राइटिंग जो क्वेश्चन का पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको मतलब पानी बचाओ के ऊपर में आपको एक्सप्लेन करना है। अब पानी बचाओ मतलब समझ ही रहे हैं, टाइटल ही दिया हुआ है पानी बचाओ, मीन्स हम लोग जो बेकार का देख रहे हैं पानी में का, हम लोग फिजूल का क्या कर रहे हैं, जो खर्च कर दे रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ज्योग्राफिकल के हिसाब से, मीन्स जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से पानी अब हमारे पृथ्वी पे बहुत ही कम बच गए हैं। सेकेंड नंबर देख लीजिए माय डियर, आपके पास है सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पश्चिम बंगाल में आए अम्फान की एक विभीषिका पर एक रिपोर्टाज लिखिए। पश्चिम बंगाल में जो अम्फान एक तूफान आया था माय डियर, उसके ऊपर में आपको जो है टोटल एक विभीषिका आपको एक्सप्लेन करना है, मीन्स एक रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, जैसे कि उस कब आया, कितना बज के कितना मिनट में आया, ठीक है, आने के बाद में क्या क्या जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, सब आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर। तीन नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, बढ़ती जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर रिपोर्टाज लिखिए। मीन्स इस तीन नंबर क्वेश्चन में आपको यह लिखना है माय डियर, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत का, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का। अब बोलना यह है कि पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन देखिएगा क्या सबको जॉब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इससे जो है अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, चार नंबर क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित वर्तमान पीढ़ी, इस विषय पर रिपोर्टाज लिखिए। दिन प्रतिदिन देख रहे हैं क्या हो रहा है माय डियर, हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। अब करेंट का जो मान लीजिए जो युवा यूथ संघ है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर जो है एक रिपोर्टाज आपको लिखना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, वर्तमान समाज के व्याप्त भ्रष्टाचार, मीन्स करेंट में अभी देख रहे हैं समाज में जो है भ्रष्टाचार करप्शन बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन पहले से तुलना में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके ऊपर में आपको क्या करना है माय डियर, आपको जो है एक रिपोर्ट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर क्या है, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता पर एक रिपोर्टाज लिखिए। मैं समाज में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसके ऊपर में एक रिपोर्टाज लिखना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, केरल की बाढ़ विभीषिका पर रिपोर्टाज लिखिए, मींस केरल में जो बाढ़ आया था, ठीक है, उसका टोटल आपको क्या करना है, आंखों देखा हाल आपको एक्सप्लेन करना है। तो हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऑल द बेस्ट मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जाइए और एक अच्छा मार्क्स उठा के अपने कैरियर में आगे बढ़िए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक का सजेशन चाहिए HS का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।